अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, डिनर करने के लिए बाहर जा रहे हैं। और हम जाहिर सी बात है, मौसम आ गया है कराची में सर्दियों का, तो उसी लिहाज से हम लोग जा रहे हैं किमाड़ी फिश एंड प्रॉन्स खाने। और मैं अपने मम्मी पापा को लेके जा रही हूँ क्योंकि उन्हें भी फिश वगैरह बहुत पसंद है। तो बहुत से लोग मतलब वो प्रॉन्स नहीं खाते हैं, लेकिन जो है वाजिद और मैं तो प्रॉन्स बहुत शौक से खाते हैं और दाऊद भी माशाल्लाह से खाते हैं। और यहाँ पे जो है ना, दाऊद माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और अलाया आप इधर आए, लाया कम है कम है, और अलाया भी रेडी हो गई है। चले मैं कहाँ से करूँ, आप यहाँ से आए, कम है कम है कम है कम है। ये देखें भाई, हम सब रेडी हो गए हैं। हम कहाँ जा रहे हैं दाऊद? खाने जोर से डिनर पे जा रहे हैं अलाया। और अभी पता है क्या, अलाया ने जो है ना दाऊद के कबट की कीज जो है वो खो दी थी। इतनी देर से हम लोग वो ढूंढ रहे, नहीं मिले। आखिरकार हमें वो लॉक जो है ना वो तोड़ना पड़ा और फिर हमने दाऊद के शूज निकाले। और शूज के बगैर तो ड्रेसिंग इनकम्प्लीट है बच्चों की। तो बस हम लोग अभी वहाँ जा रहे हैं, मम्मी पापा को पिक करेंगे और वहाँ पहुँचेंगे और फिर वहाँ पहुँच के आपसे मिलते हैं। ठीक है, टेक केयर। क्या बोलना है बोलो ना, बोलो टेक केयर, बोलो टेक केयर जल्दी से, इतने प्यारे लग रहे हो। टेक केयर कौन बोलेगा जी? आपको क्या बोलना है लाया? मुझे यहाँ से बोलना है आगे से। दाऊद को भी जो है ना कुछ बोलना है। दाऊद बोलिए, क्या बोलना है आपको? जोर से जोर से, टेक केयर टेक केयर टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। चले सही है, बस हो गया, बंद कर दो जी, बंद कर दिए मम्मी। अच्छा जी, मैंने सोचा मैं आपको जो है ना अपनी फुल ड्रेसिंग दिखा देती हूँ। ये है मेरी फुल ड्रेसिंग, ठीक है। और इसके साथ जो मैं शूज़ वेयर करूँगी ना, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ, सही है। चले मैं आपको अपने शूज़ दिखाती हूँ। दाऊद हटे, दाऊद हटे हटे हटे। ये रहे मेरे शूज़ जो मैं इसके साथ वेयर करूँगी। और ये मेरे फेवरेट शूज़ हैं, मैं जहाँ जाती हूँ यही पहन के जाती हूँ, ठीक है। और ये दाऊद के शूज़ हैं और अलाया के शूज़ जो हैं हम अभी निकालते हैं। अलाया कौन से शूज़ पहनेंगी? अलाया ये ब्लैक। और अब ठंड भी आ गई है, बच्चों की जैकेट वगैरह भी साथ में रखनी है, और क्योंकि रास्ते में बहुत ठंड होगी और जो किमाड़ी वाला एरिया है वो काफ़ी जो है ना वहाँ पे ठंड होती है। तो जैकेट वगैरह पहना के लेके जाएंगे, बच्चों को गर्म कपड़े पहनाएं, फुल स्लीव्स के शूज़ वगैरह, ठीक है जी। तो जल्दी से तैयार होते हैं फिर वहाँ चल के आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है हम किमाड़ी पहुँच चुके थे और हम लोग यहाँ पे और के मम्मी पापा का वेट कर रहे थे कि मम्मी पापा आ जाएं। तो फिर हम साथ ही बैठने की जगह ढूंढे जब तक वाजिद ने बोला कि मैं चलो तुम्हें घुमा देता हूँ। तो यहाँ पे किमाड़ी में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। किमाड़ी पहुँच के यहाँ पे देखें, ये राशिद सी फूड है जो यहाँ का काफ़ी मतलब मशहूर है। और पहले यहाँ पे देखें, इसका फैमिली हॉल है इस तरफ, और स्टार्ट होते ही आपको राशिद सी फूड के इतनी शॉप्स मिलेंगी, इतनी मिलेंगी, पूरा उसमें किमाड़ी में ये फैला हुआ है। बट जो है ना, इसके साथ साथ यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। ये देखिए यहाँ पे क्रैब थे ये, और मैंने फर्स्ट टाइम जो है ना क्रैब देखे थे, और ये सारी फिशेस थी यहाँ पे। और मतलब काफ़ी अंकल रेट वगैरह भी उसके बता रहे थे। तो अच्छा, यहाँ पे हमने जो है ना मम्मी पापा का वेट करते करते काफ़ी जो है रेट वगैरह भी ले लिए थे। और फिर यहाँ पे देखिए प्रॉन्स वगैरह रखे हैं, ये फिंगर फिश वगैरह रखी हुई है। और इसके अलावा जो है ना यहाँ पे सी फूड का चाइनीज़ भी था। ये देखें राशिद, तो सी फूड चाइनीज़ फूड मतलब सी फूड से जितने भी चाइनीज़ वगैरह बनते हैं, चाउमीन वगैरह, और क्रैब सूप भी थे। और क्रैब सूप जिनको दमे की बीमारी होती है उनके लिए काफ़ी जो है ना फ़ायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये क्रैब का सूप था और यहाँ पे जो है ना चाइनीज़ वगैरह बन रहा था, फ्राइड राइस वगैरह, जैसे प्रॉन्स के फ्राइड राइस होते हैं, प्रॉन्स का चाउमीन वगैरह। तो ये हम सारा देख रहे थे। फिर इसके बाद ये यहाँ से सीधा हम गए, और फिर यहाँ से निकलने के बाद एक ये पूरी पट्टी बिल्कुल अलग थी। देखें सामने भी राशिद का है, फिर उसके बराबर में काफ़ी सारे हैं।
तो यहाँ पे दो तीन हैं जो काफ़ी मशहूर हैं, जैसे एक राशिद हो गया और इसके अलावा न्याजी भी जो है वो काफ़ी अच्छा है। हम लोगों ने जो खाया था वो न्याजी ही था जो जिसे हमने खाया था, मतलब पर उसमें उन्होंने बोला कि सिर्फ इतने उसके मसाले का काफ़ी फ़र्क है, राशिद के जो मसाले होते हैं वो काफ़ी मतलब इतने नॉन स्पाइसी सा होता है, मतलब काफ़ी स्पाइसी होता है, लेकिन हम लोगों को तो स्पाइसी पसंद है कराची वालों को। तो ये जो न्याजी का जिसमें हमने देखा, तो ये हमने जो है ना यहाँ पे खाया था, सामने अच्छा। तो यहाँ पे जो है ना मम्मी पापा भी पहुँच चुके थे, फिर हम लोग जहाँ पे हमें खाना था तो हम वहाँ पर आके बैठ गए थे और हमने न्याजी जो है न्याजी सी फूड वहाँ पे आके जो है हमने खाया था। न्याजी सी फूड और राशिद सी फूड के जो प्राइस है ना उस वो भी काफ़ी डिफरेंट है, मतलब राशिद के जो प्राइस है ना वो काफ़ी हाई है, मतलब अगर इसकी फ़िश अगर न्याजी पे फ़िश अगर पर के जी आपको 1300 या 1400 मिल रही है तो वही चीज़ आपको सेम वहाँ पर 1800-1700 इस तरीके से, मतलब 300-400 रुपए का फ़र्क है पर केजी पे ना। तो और टेस्ट जो है इसका ज़्यादा अच्छा है न्याजी का। तो अगर कभी आपको किमाड़ी पॉइंट जाना हो तो इसके लिए आपके मतलब देख लीजिएगा। राशिद वैसे अपने नाम से इतना मशहूर हो गया कि उसने रेट जो है ना काफ़ी हाई फाई कर दिए हैं, वो अपने नाम के भी पैसे कमा रहे हैं। तो आपने सिर्फ सी फूड खाने से मतलब होना चाहिए, नाम का आपको क्या करना है। तो हम लोगों ने न्याजी भी खाया था और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। हम लोगों ने प्रॉन्स लिए थे और बारबेक्यू प्रॉन्स लिए थे और हमने बारबेक्यू फ़िश थी ग्रिल फ़िश वो ली थी, और हमने जो फ़िश ली थी वो हीरा फ़िश के नाम से होती है, और हीरा फ़िश को आई डोंट रेड स्नैपर, हाँ रेड स्नैपर बोलते हैं, और काफ़ी अच्छी होती है टेस्ट में। और इस तरह किताबी मछली की तरह ये लोग खोल के जो है ना उसमें काफ़ी मसाले वगैरह लगा के ग्रिल करके और देते हैं, और टेस्ट वाइज काफ़ी अच्छी होती है। और बस कोल्ड ड्रिंक सलाद रायता चटनी वगैरह ये सब आप ले सकते हैं और काफ़ी अच्छा टेस्ट है। और यहाँ पे देखें बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे और दाऊद बहुत खुश थे, अलाया देखें अलाया भी माशाल्लाह से इंजॉय कर रही थी खूब, और अलाया ने तो रास्ते में ही अपनी जो है ना पूरी नींद कर ली थी इसलिए माशाल्लाह से फुल फ्रेश थी। इसलिए और पता है मैंने ना सुबह का नाश्ता किया हुआ था, बिल्कुल भी इस टाइम पे जो है ना भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और इन्होंने देखें सलाद और चटनी वगैरह ला के पहले रख दी थी। अब यहाँ पे जो है ना हमारा खाना आ चुका था और अभी मैं आपको जो है ना ओपन करके दिखाऊंगी कि क्या चीज़ कैसी लग रही थी, और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी थी। अगर आपको जाना हो तो आप मेरे तरफ से 100% रिकमेंडेड है, आप न्याजी पे जा सकते हैं। और ये देखें फ़िश थी जिस तरह मैं आपको बता रही थी कि किताबी स्टाइल में खोल के मसाला लगा के देते हैं, और ये देखें ये बारबेक्यू प्रॉन्स थे। बहुत से लोगों को प्रॉन्स पसंद नहीं होते लेकिन हमें तो भाई बहुत पसंद है प्रॉन्स, और हम हर तरीके से प्रॉन्स खा लेते हैं, तो हमने प्रॉन्स मंगाए थे। अच्छा मेरी मम्मी प्रॉन्स नहीं खाती तो उन्होंने नहीं खाए थे, बाकी हम सब ने खाए थे, मेरे पापा ने मेरे हस्बैंड ने बच्चों ने माशाल्लाह सब ने खाए थे। और इसके साथ हम लोगों ने चपाती सर्व की थी, चपाती ही होती है पूरी, पराठे वगैरह वहाँ पे नहीं होते। तो बस यही था हमारा जो है ना डिनर। फिर इसके बाद यहाँ पे देखें ये मेरी प्लेट थी, मैंने अपनी प्लेट सर्विंग ली थी, और फिर इसके अलावा फ़िश भी बहुत अच्छी थी, फ़िश का जो मीट था वो काफ़ी सॉफ्ट और जूसी था। और यहाँ पे देखें ये सफ़र चट बिल्कुल हम कर चुके हैं, बिल्कुल सफाया कर दिया हमने। और फिर उसके बाद जो है अच्छा फिर उसके बाद हम लोग वापसी में आ गए थे ये केपीटी पॉइंट। आई डोंट नो कि आप लोगों में से बहुत से लोगों को इस पॉइंट का नहीं पता होगा और बहुत से लोग अच्छी तरीके से जानते भी होंगे। हम लोग बचपन में असल में रहते थे वहीं सदर पुलिस लाइन है एमएजिना रोड पे, तो हम केपीटी वगैरह बहुत जाते थे और यहाँ पर मछलियों को दाना डालते हैं। और पहले के उसमें जो है ना मैंने सुना है कि औरतों ने यहाँ पर खूब जो है ना कूद कूद के जो है ना सुसाइड वगैरह करी है, और सुना है अब कभी देखा नहीं। तो बहरहाल हमने चलो यहाँ पे बस जाकर जो है ना बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। फिर हम लोग वापसी में जो है ना यहाँ पे रुक गए थे, और यहाँ पे यार ये काफ़ी चेंज कर दिया यहाँ पे इस तरह रेस्टोरेंट सामने बना दिए जिस तरीके से दो दरिया पे बने हुए हैं,
समंदर के ऊपर, तो यहाँ पे भी इस तरीके से बना दिया था। और यहाँ पे मम्मी पापा भी आ गए थे। फिर हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी सी जो है, जाहिर सी बात है मौसम इतना अच्छा हो रहा था, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पे खड़ा होना। लेकिन हम ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुके, थोड़ी देर रुके बस। फिर हम लोगों ने आटा वगैरह लिया, मछलियों को डाला बस, उसके बाद फिर हम यहाँ से निकल गए थे। हाँ भाई, बचपन की यादें ताज़ा हो गई। हम आते थे ना तो उधर खड़े होते थे आने वाले रास्ते। हाँ वो एक ही जगह है। यहाँ पे हम आइसक्रीम खाने गए थे। यहाँ थोड़े गए थे, वो दूसरी जगह, वो दो दरिया है। अरे दो दरिया को याद करती आ रही है, मुझे पता ही नहीं। कितने की है आटे की प्लेट, कितने की है? 50। ये लो एक प्लेट। एक रेंदो रेंदो ले ली, ले ली। बस रख ले इसको, मछलियों को डालते हैं। दाउन इधर आए, यहाँ पे रखे, ये ले, ये पकड़े दाउन, इसको ना पानी में फेंको, इसको पानी में जोर से एक एक दाना, ये लो पानी में, पानी में फेंको। अरे रख ले मम्मी। नहीं ना बेटा, मैं अपनी तरफ से डाल दूंगी, ये ऐसे डालो, ऐसे ऐसे डालो। हम लोग ने बड़े डाले ऐसे लेके, ऐसे अल्लाह ताला सबकी परेशानियां खत्म करे। ये लो लाया, लाया डालेगी, लाया डाले। डालो डालो, फिश आती है ऊपर खाने। डालो दाउन राजन, ये ले डाले। दाउन एक एक करके डालिएगा। क्या दिखाऊं? मुझे भी तो दिखाए। बस यही था आज का एक छोटा सा आउटिंग का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।